नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था 12th फेल और तेजस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आज के वीडियो में, अब जो ये लेटेस्ट वीडियो है, इसमें आपको मैं बता दूंगा, साथ में सजनी शिंदे का वायरल वीडियो ये भी एक मूवी आई थी, दिनेश विजन मेडॉक्स फिल्म के अंतर्गत इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। और दोस्तों, साथ में गणपत की भी बात कर लेते हैं। गणपत अपने अंतिम दिनों में चल रही है, तो उसने कितना कलेक्शन किया, तो चारों फिल्मों के कलेक्शन की रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूँ। बात कर लेते हैं सजनी शिंदे का वायरल वीडियो। तो फिल्म में भाग्यश्री है दोस्तों, साथ में दोस्तों राधिका मदान है, निमरत कौर है, और दिनेश विजन की फिल्म है, मेडोक्स फिल्म के अंतर्गत बनाई गई है। फिल्म फरहाब नहीं छोड़ पाई, बिल्कुल भी फरहाब नहीं छोड़ पाई। हालांकि एक थ्रिलर मूवी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई, और फिल्म पहले दिन मात्र 15 लाख रुपए का कलेक्शन कर पाई है, और दूसरे दिन तो इतना ही, लगभग 10 से 15 लाख का कलेक्शन आज भी आने वाला है। मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होने वाली है, ये तो हो गया। ये फिल्म ओटीटी कंटेंट था, ओटीटी पर रिलीज करना चाहिए था, थिएटर्स में लेके आए ये, तो इस फिल्म का कोई भविष्य नहीं है। 1.5 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन होने वाला है, इससे ज्यादा इसका कुछ हो नहीं सकता है। तो पहले दिन ये फिल्म ने अपने हाथ खड़े कर दिए बॉक्स ऑफिस पर, और सजनी शिंदे का जो वायरल वीडियो है वो लोगों को पसंद नहीं आया। बात करें तेजस की, तेजस का उम्मीद से ठीक किया है। मैं आपको बता दूं, पहले दिन करीब 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 30 लाख की रेंज में कलेक्शन आया है, और उम्मीद इतनी भी नहीं थी दोस्तों, जिस पर आगे फिल्म का हाइपो क्रेज नहीं बन पाया था। कंगना रनौत से आजकल लोगों को परेशानी है, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि वह ना तो पूरी तरह से राष्ट्रवादी बन पाई हो, ना ही पूरी तरह से, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि मतलब एक हिलडुल विचारधारा की, मतलब कभी विचार इधर कभी उधर, किस प्रकार से उन्होंने अपना शो लेकर के आए, वहाँ पे कौन से कंटेस्टेंट को विजय बना दिया आप जानते हैं, और कई बार तो बहुत अच्छे राष्ट्रभक्ति देशभक्ति से उनके जबरदस्ती स्टेटमेंट आते हैं, और कई बार ऐसी बातें बोल जाती है, खांस के खिलाफ भी बोला है, और भी बहुत सारे उनके स्टेटमेंट तो विवादास्पद उनके रहते ही है। अभी राम मंदिर के दर्शन भी करके आई है, और वहां से तस्वीरें आई है, तो कई तरह की बातें उनकी हो जाती है। कई बार बहुत एक कड़े स्टैंड पर नहीं रहती है, कि स्टैंड पर रहना चाहिए कि मेरे को नेशनलिस्ट बन के रहना है, तो हमेशा वैसा ही रहना है, और अगर ढुलमुल रहना है तो फिर लोग दोनों तरफ से कट जाते हैं, मतलब नेशनलिस्ट लोग भी कट जाते हैं और जो बाकी लोग हैं वो भी कट जाते हैं। तो ये विवादास्पद कंगना रनौत रहती है, और इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है, और उठा भी रही है तेजस, शायद इसीलिए नहीं चल रही है। बाकी फिल्म की बात करें तो फिल्म को ठीक ठाक रिव्यूज मिले हैं, कई को तो बहुत बेकार लगे दोस्तों, रोस्टेड उन्होंने बिल्कुल धजिया उड़ा दी फिल्म की, और कईयों को जो कंगना रनौत के फैंस हैं उनको तो बहुत जबरदस्त फिल्म लगी है, मास्टरपीस लगी है। कुल मिलाकर के फिल्म बुरी नहीं है दोस्तों, फिल्म देखी जा सकती है एक बार, ठीक है। फिल्म मुझे तो अच्छी लगी थी, और मैंने इसका रिव्यू भी दिया था आपको। खैर, राम मंदिर वाला मुद्दा भी इसमें है, राम मंदिर का भी एक एंगल डाल दिया गया पूरा का पूरा फिल्म में। अब लोग किस प्रकार से रिलेट करते हैं इसको, वो देखने वाली बात होगी। पहले दिन तो इतना कलेक्शन है, दूसरे दिन आज फिल्म के कलेक्शन में सुधार है दोस्तों। आज फिल्म करीब 1 करोड़ 70 लाख तक कलेक्शन कर सकती है, इससे भी ज्यादा जा सकती है, 2 करोड़ भी फिल्म जा सकती है आज तो। ठीक है, फिल्म का आज शनिवार है, आज फिल्म का कलेक्शन अच्छा है, बढ़ रहा है, जंप देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि ये जंप आगे भी बरकरार रहता है या नहीं रहता है। कल संडे है, कल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कल कितना बड़ा कलेक्शन ये फिल्म कर पाती है। हालांकि भारत इंग्लैंड का मैच है वर्ल्ड कप का, तो उसका भी फर्क पड़ने वाला है। शोज ठीक है, फिल्म के पास अच्छे खासे शोज है, मैंने आपको शो भी बताए थे कि करीब 464-500 के आसपास शो है यहाँ पे मुंबई में, और NCR में भी करीब 650 के आसपास शो है, तो ठीक है, फिल्म कर सकती है अभी भी। देखते हैं पब्लिक किस प्रकार से लेती है। जहां तक बात करें अपन फिल्म 12th फेल की, तो 12th फेल अच्छा कर रही है। पहले दिन 1 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन फिल्म को मिला है, और दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन करीब करीब 2 करोड़ के आसपास आ रहा है दोस्तों। विद्युत विनोद चोपड़ा का डायरेक्शन और विक्रांत महेशी का जो अभिनय लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छी फिल्म है, तो ये फिल्म भी कमाल कर रही है। बात करें गणपत की, तो दोस्तों गणपत का अंतिम दिन चल रहा है, मतलब संडे तक ये फिल्म रहेगी थिएटर्स में। मेरे हिसाब से मंडे से फिल्म पूरी तरह से उतर जाएगी, क्योंकि कल फिल्म का कलेक्शन करीब 13 लाख रुपए का आया था, 13 लाख मात्र 13 लाख रुपए का। और दोस्तों आज फिल्म का थोड़ा सा बढ़ेगा, 20-21 लाख आज आ सकता है, लेकिन ये भी कम हो सकता है धीरे धीरे। तो 12 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन टोटल हुआ है, लाइफ टाइम 15 करोड़ भी फिल्म एंड हो जाएगी, और साल की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म में अपना नाम लिखाने में सफल रहेगी फिल्म गणपत। सोचना होगा टाइगर श्रॉफ को, विकास बहल को, अमित जी को भी ऐसी फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद, टेक केयर।